हाय दोस्तों, तो मैं आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि फ़ोटो फ्रेम कैसे बनाते हैं हम लोग 3DS Max में। वैसे तो इसका बहुत सारा तरीका होता है, तो मैं आपका सारा स्टेप्स बताऊँगा, सिंपल से लेके किस तरीके से हम लोग और भी अलग अलग से बना सकते हैं फ़ोटो फ्रेम को। तो पहले बेसिक से शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने एक मॉडलिंग में मैंने एक फ्रेम बनाया फ़ोटो फ्रेम इस दीवार के ऊपर, एक सिंपल सा है। इस तरीके से हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कैसे मैंने ये इसको बनाया। इसके बनाने के बहुत सारे स्टेप्स हैं, जैसे कि आप बॉक्स बना सकते हो, पॉलीगन्स बना सकते हो, लाइन्स बना सकते हो। तो इसका हर एक स्टेप मैं बताता हूँ कि ये फ़ोटो फ्रेम मैंने किस तरीके से बनाया है। तो मैक्स में आ जाते हैं। सबसे पहले सबसे ईजी तरीका होता है, वो कोई भी बना सकता है, वो है एक बॉक्स लेके। इसको पॉलीगन नहीं पता है, जो सिर्फ बॉक्स पता है, जो फर्स्ट क्लास कर रहा है आज, तो वो कैसे बनाएगा? वो जस्ट एक बॉक्स को रखा, पहले इसका फ्रेम बनाएगा। टॉप व्यू से दिखा देते हैं। जी प्रेस करके इसका ग्रिप को हटा देंगे, ग्रिड को। उसके बाद मैं इसको कॉपी कर दिया एंड इसको रोटेट करके इसको 90 डिग्री में इसको ऑन करना पड़ेगा स्नैपटॉगल से, और इसको मैंने इस जगह पे रख दिया। इसको इस तरीके से करके ये सबसे इजी तरीका है। सबको पहले मैच करा देंगे सारा बॉक्स को। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, एक और प्लेन रख के इसका नीचे में एक हल्का सा कवर लगा देंगे, इसके ऊपर हमारा फोटो आ जाएगा। ये सबसे एक बेसिक तरीका हुआ। एंड सेकेंड जो तरीका है वो इजी है, वो उसको हम लोग ट्राई करेंगे। वो है बॉक्स लेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा इसका हाइट देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली में चेंज करके पॉलीगन को हम लोग फिर इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट से ये आपका फ्रेम बन गया। एंड इसके बाद हम लोग करेंगे एक्सट्रूड, ताकि ग्लास के ऊपर लगे, ग्लास के अंदर में फिर हमारा फोटो लगेगा। तो ये हो गया आपका सेकेंड। जैसे मैं इसको पॉलीगन से इसमें कलर दे देता हूँ ब्लैक, और अंदर में या फिर पॉलीगन से ना देख के हम लोग पूरा इसको ब्लैक कर देते हैं। एंड बाद में इसके अंदर में हम लोग फोटो लगा देंगे, वो भी दिखा देंगे आपको। तो ये हो गया सेकेंड। एंड थर्ड स्टेप क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लाइन में जाते हैं, उसके बाद रिक्टेंगल में जाके इसको एक हम लोग शेप कर देते हैं फोटो फ्रेम का। मान लो इस तरीके से आपको दिखने में भले एंगल तिरा लगे, बट अगर टॉप में करोगे तो देखो ये स्ट्रेट है। तो हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई में जाके स्वीप को हम लोग लेंगे। स्वीप, इसमें से स्वीप लेने के बाद हमारे यहाँ पर बहुत सारा स्टेप्स है, एंगल बार हम लोग रखेंगे सिर्फ हाफ़ राउंड। हाफ राउंड में क्या होता है कि आप देख पाओगे कि ये फ्रेम के जैसा बन गया है। ये देखो, आप चाहो तो इसका रेडियस छोटा बड़ा कर सकते हो। मान लो मैंने इतना बड़ा करके दिखा दिया आपको। फिर क्या करूँगा, टॉप व्यू में जाके फिर एक ले लेंगे प्लेन, एंड प्लेन लेने के बाद हम लोग इसका ऊपर से इस तरीके से लगा देंगे। तो ये एक हो गया। उसके बाद देखो, मैक्स में कैसा ऑप्शन है, अगर आपको ऑप्शन पता है तो आप बहुत चीज़ से बना सकते हो, बहुत सारा ऑप्शन है जिससे आप बना सकते हो। तो इसका एक तरीका नहीं, हज़ारों तरीका होता है फ्रेम बनाने का। और फिर फ्रेम नहीं, बहुत सारा चीज़ है, हर एक चीज़ आप एक ऑप्शन से नहीं बना सकते हो, इसमें बहुत सारा ऑप्शंस है। तो आपको सबसे मेन चीज़ तरीका क्या, आपको पहले ऑप्शन को अच्छा से समझना पड़ेगा। मेरा एक वीडियो है जिसमें सारा इंटरफेस मैंने सिखा के रखा है, आप उसको चेक कर सकते हो। एंड दोस्तों, एक ऑफ़र चल रहा है, स्पेशल ऑफ़र, जो मैंने एक वीडियो ये दिया था
इसका मैं प्राइस थोड़ा हाई रखा था जिसकी वजह से बहुत लोग खरीदे और मैं बहुत लोग नहीं खरीदे, तो मैं इसका अब प्राइस लो कर दे रहा हूँ। इसके साथ आपको इसका वीडियो फाइल मिलेगा, इसका वीडियो रहेगा, प्रैक्टिस फाइल रहेगा एंड डाउट्स क्लास भी इसके ऊपर दिया जाएगा। तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करके देख सकते हो। इसका अमाउंट मैंने बहुत कम कर दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको खरीद सके एंड सीख सके। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक और तरीका है। मैंने फिर से एक रेक्टेंगल लिया, इस बार मैं स्वीप को नहीं करके कुछ और ऑप्शन को यूज़ करूँगा। जैसे कि मैंने मॉडिफाई लिस्ट में जाके यहाँ पे देख पा रहे हो दो ऑप्शन है, एक रेंडर और एक व्यू पोर्ट। इनेबल रेंडर, इनेबल टू व्यू पोर्ट। मैंने इसमें से फर्स्ट को ऑन करके एंड सेकेंड, फर्स्ट का मतलब हो गया कि अगर आप रेंडर करोगे तब उसमें आपको शो करेगा इसका फ्रेम, बट अगर आप व्यू पोर्ट में करोगे तो आपका व्यू पोर्ट में भी शो करेगा इस तरीके से। बट ये बहुत हल्का है, आप इसमें क्या करो इसका थिकनेस को बढ़ा देंगे हम लोग इस तरीके से। ये भी बिल्कुल इसके जैसा हो गया है, मतलब कि एक ऑप्शन आप हज़ार जगह यूज़ कर सकते हो हर अलग अलग मॉडलिंग में। देखो सेम चीज़ आ गया है, बट इसमें क्या डिफरेंस है, ये दोनों में डिफरेंस बता देते हैं क्या डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस बहुत हल्का है, अगर आप वो समझ सकते हो तो देख लो। इसमें क्या होता है कि इसका जो पीछे है वो एक हाफ़ राउंड के जैसा है, मतलब स्टिक एक प्लेन है, बट इसमें क्या है कि बोथ साइड आपको ऐसे ही लगेगा, दोनों साइड, ये इसका डिफरेंस है। आप इसमें भी फ्रेम लगा सकते हो, फ्रेम लगाने का तरीका बहुत सारा है। जैसे इस बार मैं प्लेन को ना लेके आपको दूसरा स्टेप दिखाता हूँ ताकि आप ज़्यादा टूल्स को रिकवर कर सको और सिखा मैं सकूँ। तो मैं क्या करूँ, इसको कन्वर्ट टू एडिटल पॉली में चेंज कर दिए। पॉलीगन लेके इधर से एक वर्टेक्स को हम लोग क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे इस तरीके से, यानी एंगल में इस तरीके से आएगा। देन ओके करके हम लोग फिर कोऑर्डिनेट से काम करेंगे, इसी इधर रख के हम लोग इसको फिर स्ट्रेच कर देंगे। ये बहुत सिंपल हो गया, ये देखो फ्रेम बन गया, कोई इतना मेहनत का काम नहीं लगा। उसके बाद और दिखाते हैं, फिर से मैंने एक रेक्टेंगल लिया। इस बार मैं फ्रेम कुछ अलग तरीके से बनाना चाहता हूँ, कि ये तो बना रहे हैं रेडियल का, अब इसमें से एक ऑप्शन आता है रेक्टेंगुलर, ये ठीक पहले वाले की जैसा इसमें बना सकते हो इजीली तरीके से। ये देखो फिर वही प्लेन रख लो या जैसे। अच्छा का थोड़ा थिकनेस कम कर सकते हैं हम लोग लेंथ को। ये देखो दोस्तों मैंने फ्रेम का कितना सारा तरीका बताया करने को। अब मैं क्या करता हूँ, एक और अलग टैकल करना चाहता हूँ। जैसे मैंने इसको एक किया था, इसी को मैं कॉपी करके ठीक इस सर ले आया। आप इस तरीके के फ्रेम देखे होंगे मार्केट में। क्या करो कि इसका फ्रेम को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं स्केल से, इस तरीके से बना सकते हो, ये भी एक तरीका है। तो डिज़ाइन आपको बस माइंड में सेट करना है एंड उसके बाद सारा काम तो आपका मैक्स कर देगा, जिसको टूल्स पता, कमांड पता है। तो बाकी इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो मैक्स नहीं कर सके। तो हम लोग क्या करते हैं, अब आपको दिखाते हैं इसमें फ्रेम के अंदर में फ़ोटो कैसे डालते हैं। तो एक कोई भी एक चॉइस कर लेते हैं, मान लो मैंने एक ये फ़ोटो को सिलेक्ट किए। उसके बाद क्या करूँगा मैं, पहले इसका तो इसका फ्रेम में मैं थोड़ा कलर देना चाहता हूँ अलग कलर। तो पहले इसको मैंने पुट करके एक डीप ब्राउन में या कुछ टाइप में ले लेते हैं कलर। देन पॉलीगॉन को मैं सिलेक्ट करूँगा इस जगह पे। सबसे पहले मेरे को फ़ोटो खोजना है, देखते मेरा फ़ोटो कहाँ पे है। कोई भी एक फ़ोटो ले लेते हैं, इसको मैं डेस्कटॉप पे रख देता हूँ, पेस्ट, आप अपना लगाना। उसके बाद मैं जाता हूँ इसमें, इसमें से मैं सिलेक्ट कर लेते हैं डिफ्यूज़ में जाके बिट मैप में मैंने एक फ़ोटो लिया इसको एंड
ये और ये, एंड देखो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अब शो कराने के लिए इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होने से ऐसा होता है, तो हम लोग यूवी मैप का हेल्प लेंगे। ये देखो एंड बॉक्स में जाके ये फ़ोटो को देख सकते हो। ये देखो मैंने इस जगह पे लगा दिया। तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत सारे के डिज़ाइन बना सकते हो फ़ोटो फ्रेम का, और भी बहुत सारा तरीका होता है, और भी बहुत सारा डिज़ाइन होता है। तो मैंने एक बेसिक लेवल दिखाया जिससे आप यूज़ करके आप चाहो तो अपना सीन को और अच्छा कर सकते हो। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा एंड ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि मैं और भी इस तरीके से और भी बहुत अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।